हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी उसमें अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स आपके बुक वाले कर लिए हमने। कल फिर कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स थे, वो भी अपन ने सॉल्व किए थे। मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन ने सॉल्व किया था। मुझे पता है सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कर रहे हो ना? वेरी गुड। अब देखो, आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सेप्शंस के बारे में। किसके एक्सेप्शंस के बारे में? वीबीटी के एक्सेप्शंस के बारे में। और जो वीबीटी के एक्सेप्शंस हैं, जिसकी वजह से उसके बाद अपने पास एक न्यू थ्योरी आएगी। ठीक है, दैट इज CFT। ठीक है, अब देखो VBT कितने बच्चों को समझ में आई है, कितनों को नहीं आई है। देखो, मैंने मेरे अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्पल्स थे आपकी बुक में, वो ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा VBT से कोई क्वेश्चन नहीं आता। मीन्स क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स, मीन्स कंप्लीट एग्जाम्पल्स का अगर अपन देखें तो इसके अलावा ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते। ठीक है, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अब इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इन पे जो एक्सेप्शन केसेस हैं, वो अपन एक दो तो आज डिस्कस करेंगे, फिर अपन उनको डिस्कस करेंगे CFT के बाद में। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस हैं जिनको VBT नहीं बता पाया, उनको किसने बताया था? CFT ने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था। ठीक है, तो अब अपन पहले, मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है CrNH3O6 3+। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके बाद में देखो एक्सेप्शन केस है, और एक्सेप्शन केस है मतलब आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बेटा डेली, सिर्फ 20 मिनट का ही तो वीडियो आता है, 20-25 मिनट का आता है, रोज देखा करो, रोज उसमें जो भी चीज है वो पढ़ा करो, अपनी बुक से मैच किया करो, आपको जो नोट्स भेजे हैं उनको एक बार उसकी रीडिंग लगा लिया करो। ठीक है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट तो चल रहा है। क्लास में होते तो आपको दो दो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती, पार्ट फर्स्ट भी पार्ट सेकेंड भी, अभी तो सिर्फ एक ही पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर देखा करो, वीडियो पूरा देखा करो, अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके पास लिंक नहीं रहेगा कुछ कि भाई क्या हमने पढ़ा था लास्ट में और क्या अभी पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है रेगुलर जो वीडियोस हैं वो देखा करो, प्लस उसको उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आप अपनी कॉपी में वगैरह में नोट्स वगैरह हैं उनमें देखा करो, और यहाँ भी आप खुद भी सॉल्व किया करो। ठीक है, सिर्फ मैडम को ही देख के मत रह जाया करो कि हाँ बहुत इजी है, आराम से हो रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी आपको बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो जब मैडम का पेन चल रहा है ना तो उसके अकॉर्डिंग मत चला करो कि हाँ भाई ठीक है आराम से चल रहा है पेन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन इसका ये हो गया, स्ट्रक्चर ये हो गई। खुद भी प्रैक्टिस किया करो, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं सब बच्चे उन एग्जाम्पल्स को, सब एग्जाम्पल्स को रफ नोटबुक में उनको सॉल्व करेंगे पूरा ऊपर से लेके लास्ट तक कि हाँ भाई ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है, फिर स्ट्रक्चर ये बना। ओके, करोगे ना सब बच्चे? वेरी गुड। चलो अब देखो, अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की। ठीक है, देखो अपने पास एग्जाम्पल है CrNH3O6 3+। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है इसमें क्या एक्सेप्शन वाले जैसे क्या है इसमें, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे अपन ने पहले भी देखे थे। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल अपन ने पहले देखा था वहां क्रोमियम के प्लेस पे क्या था? कोबाल्ट था। ठीक है, क्रोमियम के प्लेस पे कौन था? कोबाल्ट था। बाकी फॉर्मूला सेम था, कोबाल्ट NH3O6 3+। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहां क्रोमियम आया तो क्या चेंज आया। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। आपको पता है क्रोमियम कितने पे आता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 24। ठीक है, तो 24 है तो ये हुआ आर्गन, मींस 18, एंड देन 4s2 एंड 3d, 4s2
देखने से ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि 18 तो इसका हो गया, ठीक है, फिर 2 इसका हो गया, मतलब कितना हो गया, 20 हो गया, फिर उसके बाद में 4 बचा तो 24 हो गया, बट इसका ऐसा नहीं होता है। 11th क्लास में एक्सेप्शन केस क्रोमियम एंड कॉपर पढ़ाया हुआ है ना, इनमें ही दोनों में ही क्या होता है, 4s का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d में शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ क्या हो गया, d5, 4s भी कितना हो गया, 1, मीन्स दोनों ही कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एंड हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, तो यहाँ 4s1 हो गया, 3d5 हो गया, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। चलो ये दो ही इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात, अब बात करते हैं हम कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। Cr को मैंने क्या एज्यूम किया, x, NH3 का कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू +3, मीन्स यहाँ Cr पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव 3 चार्ज है, ठीक है। चलो अब +3 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से, एंड आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4th शेल, 3rd, कॉमन सेंस की बात है, 4 तो बाहर ही होगा और 3rd अंदर होगा, तो पहले किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 4s में से, वेरी गुड। तो 4s में से निकाल दिया अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी अभी भी अपन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकालने हैं, तो इसमें से भी 2 निकाल दिया और ये कितने हुए, 3 हो गए, ठीक है। चलो अब अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया तो 3d बनाया, देन 4s बनाया, देन अपन ने 4p बनाया, एंड लास्ट में अपन ने बनाया 4d। चलो 3d कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अपन ये करते हैं कि अपना लिगेंड कैसा है, सब बच्चों को याद आ रहा है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि लिगेंड कैसा है, ठीक है। लिगेंड कैसा है, NH3 है, NH3 मीन्स कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, पावरफुल है, पावरफुल मीन्स क्या करेगा, पंच मारेगा और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और क्यों नहीं होता, इसका आंसर हमें कौन बताएगा, CFP बताएगी, ठीक है। इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड ने इसकी पेयरिंग क्यों की, इसका आंसर भी कौन बताएगी, CFT बताएगी, ठीक है। तो यही जो 2-3 एग्जाम्पल्स है, ये तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है, बाकी अपन CFT पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो ये जो एक्सेप्शन केसेस है, ये जो एक्सेप्शंस आए लोगों के सामने क्रिएट हुए कि अब इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग क्यों हुई, वीक फील्ड है तो पेयरिंग क्यों नहीं हुई, ये इन सब क्यों का आंसर देने के लिए ही, वाई जो है उनका आंसर देने के लिए ही कौन सी थ्योरी आई अपने पास, CFT, ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। चलो अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या, इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जितना अपन ने पढ़ा है BBT के बारे में वो सब बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर भी नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मुझे बताइए कि मैम दोबारा एक्सप्लेन करो, कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो कि मैडम ये एग्जाम्पल दोबारा सॉल्व करो, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगी आपके लिए। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं समझ में आया तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब अपन देखेंगे कि CFT क्या होती है, तो अब ये कुछ सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ क्या होगा, अब यहाँ जब होगा वो अपन CFT के बाद देखेंगे कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। चलो हम बात करेंगे अब किसकी, CFT की। तो BBT के एक्सेप्शन केसेस पता चले ना, BBT क्या नहीं कर पाया, BBT स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में नहीं बता पाया कि उनकी पेयरिंग क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, ठीक है।
वीबीटी हमें कलर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स जो कलर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है। बट वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि वो कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है। वीबीटी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये डायमैग्नेटिक है तो क्यों है। जैसे एक बच्चे ने लिखा था कि मैम जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड जो हो वो डायमैग्नेटिक ही हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था उस बच्चे ने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वो डायमैग्नेटिक ही हो, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होते, उसके आंसर्स किसने बताए थे? सीएफटी भी ने बताए थे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सीएफटी के बारे में मैडम बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, ऐसा नहीं है। सीएफटी में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और उनको फिर सही किसने किया? एलएफटी ने किया था, लिगैंड फील्ड थ्योरी ने किया था। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एलएफटी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको सीएफटी ही पढ़नी है, चले चलो। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? सी एफ टी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, इस सीएफटी के बारे में देखो, मैं कुछ जो पॉइंट्स है वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है इसके, और ये 5 पॉइंट्स हर बच्चे को पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वीबीटी ने ये बताया था, ध्यान से सुनना सब बच्चे, वीबीटी ने ये बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? वीबीटी ने क्या बोला कि लिगेंड और मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट सीएफटी ने ये नहीं बोला, सीएफटी ने बोला कि कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। किसके किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। खोल लो दिमाग, आंख नाक सब खोल लो और बिल्कुल फिट कर लो इस पॉइंट को। क्या बोला था सीएफटी ने? सीएफटी ने ये बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड जो है, मींस उसने वीक बॉन्डिंग बताई थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बताई, ठीक है। सेकेंड उसने ये बोला कि जो आपका मेटल है और लिगेंड है वो किसके फॉर्म में वर्क करेंगे? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मींस जनरल सी चीज है, अगर आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ? इस तरह का बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले वाली चीज बताई है कि भाई लिगेंड दे रहा था, मेटल ले रहा था। ये क्या बता रहा है कि भाई लिगेंड देगा, ठीक है, लिगेंड देगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है। मेटल लेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। जब मेटल ने लिया तो नेगेटिव आया, जब लिगेंड ने डोनेट किया, दिया, तो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है? तो अब जब इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मीनिंग कि क्या हो गए? इनको क्या बोलेंगे? डाइपोल्स। डाइपोल पोल्स जनरेट हो गए ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स जनरेट हो गए, मींस पॉइंट चार्ज। इसको ही बोलते हैं पॉइंट चार्ज, मीन जब इन पे कोई भी चार्ज क्रिएट हो जाता है, डाइपोल्स की तरह कुछ पोल्स बन जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव। समझ आया? दोनों पॉइंट समझ में आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था? आयोनिक बॉन्ड बना है इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज की तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पे जनरेट हो गया है। क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या है? इसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
ठीक है, मींस इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया, इसने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वीबीटी ने ही बताया था। इसने कुछ भी नहीं बताया कि हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट इसने किसके बारे में बताया? डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में बताया। अब ये क्या होता है, ये एक नई चीज आई है आपके पास, ठीक है, और ये नई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना जब मैं इस चीज को बताऊं आपको, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, तो सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके सिलेबस में कि डी ऑर्बिटल्स किस तरह से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसने एस और पी ऑर्बिटल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था ना सारा का सारा, वो कौन से ऑर्बिटल पे था? डी ऑर्बिटल्स पे था। ठीक है, एस और पी के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई नॉलेज नहीं दी, बात ही नहीं की इसने, एस और पी को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, इसने सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन किया था? डी ऑर्बिटल्स के बारे में, कि डी की स्प्लिटिंग कैसे होती है, डी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बात की थी उसने। ठीक है, एस पी के बारे में इसने कोई डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया, जो मैग्नेटिक मोमेंट था म्यू, उसके बारे में बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताई थी कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्यों है, किस वजह से है, कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी इसने। ठीक है, इस थ्योरी में। एंड नेक्स्ट इस थ्योरी ने किसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था? कलर्स के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से इसने कलर के बारे में भी डिस्क्राइब किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, इनका कलर किस वजह से ये शो करते हैं और कैसे ये अपना कलर जो है वो जनरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। क्लियर, दोबारा देख लो बेटा सारे पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट्स पूछूंगी मैं आपसे, ये कि क्या क्या पॉइंट्स थे क्या नहीं थे। ठीक है ना, और ये पॉइंट्स जब तुम्हें पता होंगी ना तभी तुम लोग आगे सीएफटी पढ़ पाओगे। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। ठीक है, सब बच्चे बिना देखे बोलेंगे, बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था? आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड, क्या बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। सेकेंड, क्या जनरेट होता है? पॉइंट चार्ज जनरेट होता है उनपे। ठीक है, मीन्स डायपोल की तरह वर्क करते हैं। थर्ड, किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फोर्थ, किसके बारे में बताया अपन को? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, कैसे वो टूटते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, एस एंड पी ऑर्बिटल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की इसने? डी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट, जो म्यू है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, उसके बारे में इसने बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया था। एंड नेक्स्ट कलर के बारे में भी उसने बहुत अच्छे से बात की थी। ठीक है, देखो सीएफटी मैं एक लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट करके बता सकती हूँ, ठीक है, बट मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि अगर आपको उसकी सारी बेसिक चीजें अगर आपके नॉलेज में नहीं होगी, टाइम क्या करना है अपन को, दो लेक्चर और बढ़ जाएंगे इस चैप्टर के, लेकिन समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आज के एक सेक्शन में सीएफटी स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो सीएफटी में बहुत कुछ बाकी है, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीएफटी स्टार्ट करूं तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है जितनी मैंने आज बात की वो सारी उनके नॉलेज में होनी चाहिए। ओके,